कई मुद्राएं ऐसी होती हैं जो बेहद शक्तिशाली और खास होती हैं। बल्कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हाथों में ही संपूर्ण चक्रों का वास होता है, हाथों में ही संपूर्ण ग्रह भी वास करते हैं। बल्कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कई प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो हाथों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण करवा सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी हस्त मुद्राएं होती हैं, जैसे कि आपने ज्ञान मुद्रा के बारे में देखा भी होगा कि बहुत सारे साधु संत जो ऋषि मुनि आदि वगैरह होते हैं, जब ये तपस्या करते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठते हैं, जिससे इनके ज्ञान की बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो इसी प्रकार की एक ऐसी मुद्रा के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको करने से संपूर्ण इच्छाएं उस व्यक्ति की पूरी होती है जो इस मुद्रा को प्रैक्टिस करता है। लेकिन इन मुद्राओं को ऐसे ही नहीं किया जाता है कि ऐसे ही आपने देख लिया और ऐसे ही करना शुरू भी कर दिया, क्योंकि इनके लिए कुछ नियम और कुछ प्रोसीजर होना बेहद आवश्यक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर संपूर्ण बातों को आपको समझना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि हस्त मुद्राएं जो होती हैं वे एक तरह से एक यंत्र का कार्य करती हैं। जैसे कि अगर किसी एनर्जी को पॉजिटिव हो उसे अट्रैक्ट करना होता है तो ये मुद्राएं जो होती हैं तो उन खास एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि नमस्ते का जो साइन होता है, जब कोई भी मंदिर में जाता है और नमस्ते करता है तो नमस्ते किए बिना कोई भी भगवान की शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब आप नमस्ते करते हैं तो नमस्ते से सीधा आपके हृदय चक्र पर प्रभाव पड़ता है, और जिस भी व्यक्ति से आप नमस्ते करते हैं हृदय पर हथेलियों को रखकर जो नमस्ते की जाती है उससे सीधा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि जिसे आप नमस्ते कर रहे हैं, उसकी सीधी पॉजिटिव एनर्जीज ही आपको प्राप्त होती हैं। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसकी केवल पॉजिटिव एनर्जी ही आपको प्राप्त हो, तो हृदय पर हथेली रखते हुए, यानी कि चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच हार्ट चक्रा होता है, और जैसे ही आप नमस्ते करते हैं तो इस चीज़ को आप स्वयं देखें, खुद करके देखें कि सामने वाला चाहे कितना भी आपसे नफरत करता हो, कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन फिर वह पॉजिटिव तुरंत ही हो जाता है। उसका सीधा पॉजिटिव प्रभाव आपके हृदय चक्र पर पड़ता है। तो इसी प्रकार की जो हस्त मुद्राएं होती हैं वो नेगेटिव को दूर करके केवल पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करती हैं। आपको ये भी बता दें कि नेगेटिव को कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करती है, वह चीज तो अपने आप ही जीवन में आती है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बलवान हो तो उसी प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो किस्मत बलवान होती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जल्दी हो, तो उसी प्रकार की एनर्जी को भी अट्रैक्ट करना पड़ता है। और एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार की मुद्रा होती है हाकिनी मुद्रा, जो आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई होती है। आपको ये भी बता दें कि जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि तराटक करने से आज्ञा जो चक्र होता है वह प्रभाव में आ जाता है, और जिस भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र प्रभाव में होता है तो उसकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो पूर्ण ना हो, बल्कि वह जो चाहे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, जिस भी तरह के कार्य कर सकता है, और उसे कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बल्कि उसकी बाधा अगर कोई उत्पन्न करता है, जैसे कि शत्रु होते हैं, अगर कोई भी शत्रु ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आता है या परेशान करता है जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो, या थोड़ा सा भी अगर प्रभाव में होता है तो शत्रु खुद ही परेशान होकर बैठ जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र प्रभाव में हो ऐसे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसीलिए आज्ञा चक्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र के ही इस्तेमाल से आप अपने संपूर्ण चक्रों को भी बैलेंस कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र को पावरफुल होता है और इसे बनाना भी पड़ता है। और हाकिनी मुद्रा जो होती है ये आज्ञा चक्र को तुरंत प्रभाव में लाती है, क्योंकि आज्ञा चक्र की जो देवी होती हैं वह हाकिनी देवी होती हैं। संपूर्ण चक्रों की कुछ ना कुछ देवी होती हैं, देवता होते हैं, तो इसी प्रकार की हाकिनी देवी होती हैं, जिनको हाकिनी मुद्रा करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को पाया जाता है। जैसे ही इस मुद्रा को करना आप शुरू करेंगे, ये मुद्रा करने किस प्रकार है आप ये भी जान लें, जैसा वीडियो में आपको दिखाया गया है बिल्कुल उसी प्रकार अपने हाथों की पोजिशन को करना है। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये मुद्रा आप कहीं भी कैसे भी बैठे हुए कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ खास आसन बनाकर करते हैं तो इसका प्रभाव डबल होकर प्राप्त होता है। जैसे कि
पद्मासन या वज्रासन आप लगा सकते हैं, या फिर इन दोनों में से अगर नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन में ऐसे ही यूं ही फर्श पर आसन बिछाकर यूं ही बैठ सकते हैं और माता दुर्गा के सामने इस मुद्रा को बनाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब इस मुद्रा को करेंगे तो अपनी दोनों आंखों को आपको बंद रखना है, अपने जो ध्यान है इसको थर्ड आई पर लगा देना है और बस ज्यादा से ज्यादा अधिक समय 15 से 20 मिनट और ज्यादा आधे घंटे तक इस मुद्रा को आप बना सकते हैं। जैसे ही इस मुद्रा को करेंगे तो चाहे आपके मन में कितनी भी चिंता हो, घबराहट हो, परेशानी हो, आप खुद देखेंगे कि तुरंत वह शांत हो जाएगी, क्योंकि यह जो मुद्राएं होती हैं ये बेहद शक्तिशाली होती हैं, खास होती हैं, क्योंकि इन्हें आप स्वयं करते हैं तो इनका तीव्र प्रभाव तुरंत ही शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो शरीर होता है उसे 21 दिन 41 दिन लगते हैं, कई लोगों को 21 दिन में भी हो जाता है, प्रभाव मिलने लग जाता है, और कई लोग होते हैं जिनको 41 दिन में हो जाता है। तो कम से कम 41 दिन 21 दिन का समय आप अवश्य ही अपने आप को दें, क्योंकि ये शरीर एडॉप्ट करता है जो चीज़ें आप नई करना शुरू करते हैं, उन नई चीजों का प्रभाव तुरंत ही प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हस्त मुद्राओं का प्रभाव तुरंत शुरू होता है। इसे आप आज से ही करके स्वयं ही देख सकते हैं, अभी आप करके देखें। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा ख्याल विचार चलते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जो आपको सोने नहीं देते हैं और बिल्कुल भी आप सुबह अच्छी तरह से नहीं उठ पाते हैं, तो बस आप हाकिनी मुद्रा को करना शुरू कर दें। ये भी बात ध्यान रखें कि अपने बेड पर बैठकर भी इस मुद्रा को किया जा सकता है, लेकिन घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने पूजा करते समय हाकिनी मुद्रा को करने वाला व्यक्ति बहुत शांत और बहुत ज्यादा किस्मत वाला बन जाता है। हाकिनी मुद्रा करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है ऊपर नीचे हाई लो उन्हीं लोगों का होता है जिनके मन में विचार ख्याल बहुत ज़्यादा अधिक चलते रहते हैं। जिन लोगों का हाई होता है तो ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं बैठता है और 24 घंटे ही वो यही सोचते रहते हैं कि उन्हें ये नहीं मिला, उन्हें वो नहीं मिला, वो ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। और जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर रहता है वो हमेशा इस तरह के विचार सोचते हैं कि उनके साथ ये हो गया, उनके साथ गलत हो गया, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार के ब्लड प्रेशर से भी व्यक्ति के विचारों को पता लगाया जा सकता है और ये सभी चीज़ें बिल्कुल तंत्र पर ही आधारित होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इसीलिए हम कहते भी हैं कि इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुना करें, क्योंकि सभी बातों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलता है, क्योंकि केवल इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो सब्सक्राइब करके अवश्य ही रख लें और बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब वीडियो आती है तो यह वीडियो समय पर मिला करे। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जब आप हाकिनी मुद्रा को करेंगे तो इसके बहुत अधिक लाभ मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला लाभ तो इसका यही है कि ये तुरंत मन को शांत करता है, मन में जो विचार होते हैं, जो ख्याल होते हैं वह कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन हाकिनी मुद्रा को करने से मन के विचारों को, ख्यालों को तुरंत रोका जा सकता है। जितना अधिक प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग आपकी पकड़ में आएगा, क्योंकि ये दिमाग को पकड़ने की हस्त मुद्रा है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को काबू कर लेता है तो उसके जीवन में निश्चित ही सुख आता है, क्योंकि दिमाग सबका शांत नहीं होता है, दिमाग तो इधर उधर भागता ही रहता है, लेकिन हाकिनी मुद्रा ही ऐसी मुद्रा है जो दिमाग को शांत करती है। दूसरा इसका फायदा ये है कि जो डिसीजन होते हैं, लाइफ के डिसीजन होते हैं, उनको किस प्रकार करना है, कैसे करना है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। तीसरा इसका फायदा ये है, जब इतने फायदे मिल जाते हैं तो जो भी चीज़ें आपके मन में दिमाग में चलेंगी तो वो केवल तभी पूरी होती हैं जब आपका मन शांत होता है और ये मन को शांत करती है। तो यही कारण है कि इस मुद्रा को करने से तुरंत इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं, क्योंकि इससे आज्ञा चक्र प्रभाव में तुरंत ही आने लग जाता है। अगर लगातार एक ही समय पर 41 दिन तक इसको आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको भूत, भविष्य और वर्तमान की भी जानकारी होने लगे, क्योंकि आज्ञा चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो सैकड़ों सिद्धियों को खोलता है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। बल्कि जो बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, जो याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वो भी अगर हाकिनी मुद्रा का प्रभाव अपने शरीर पर डालते हैं, हाकिनी मुद्रा को करते हैं, इससे उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो वह बहुत जल्दी उसकी लर्निंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि वे आधे घंटे में, एक घंटे में पूरी बुक को पढ़ लेगा और बड़ी आसानी से उसे याद भी रख लेगा, क्योंकि आज्ञा चक्र जितना प्रबल हो उतनी ही उस व्यक्ति की लर्निंग बढ़ती ही जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का दिमाग प्रबल हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें और आज से ही करना शुरू करें। इस खास जानकारी को शेयर भी अवश्य करें, जिससे सभी लोग जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।